प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं रताश गुप्ता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर। मैंने ये 104 कविताएं लिखी हैं। इनको कविताओं को लिखने में मुझे 1.25 साल लग गया है और ये मैंने अपने अमेरिका के प्रवास दौरान लिखी हैं। इन कविताओं में जो झलक मिलती है वो भारत के नागरिक की सद्गुणों को डिस्क्राइब करती है और वो भारतवर्ष देश के सद्गुणों को डिस्क्राइब करती है। तो ये देखिए, अब ये कह रहा है, इसका विषय वस्तु है हिंदुस्तान की तहजीब को सिखाऊ। पहला, इंसानी जज्बे का महासागर है जो, इंसानी जज्बे का महासागर है जो, इंसानियत का जीता जागता उदाहरण है जो, जहाँ प्रेम व सदाचार की सलीलाएं बहती हैं, मेरा हिंदुस्तान उसी आबो हवा का गुलिस्तान है। ये दूसरा, जो भी जब जब आकर बसे यहाँ की सर जमीन पर, जो भी जब जब आकर बसे यहाँ की सर जमीन पर, आज वही आसनाई है मेरी, वही मेरे पड़ोसी हैं, वही दुनिया है मेरी, वहीं पर प्रथम इंसानी रिश्तेदारी है मेरी। तीसरा, मेरे हिंदुस्तान में मुगल भी आए अंग्रेज भी आए, मेरे हिंदुस्तान में मुगल भी आए अंग्रेज भी आए, और आए थे तुर्की खिलजी सूरी इल्तमश व ऐबक, पुर्तगीज व स्पेनिश सबको अपने गले से लगाया है मैंने। चौथा, अब आज मेरी ज़मीर कहती है, अब आज मेरी ज़मीर कहती है, मेरी जन्नत है मेरे हिंदुस्तान की तहजीब, मुझे मेरे बच्चे व पुरखों को अपने दामन में बिठाया, इस तहजीब के वातावरण में सदा पुर अमन रहे हिंदुस्तान मेरा। अब वो जो लोग बाहर से आए उन्हीं में से कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, सदा पुर अमन रहे हिंदुस्तान मेरा, सदा तरक्की याफ्ता रहे हिंदुस्तान मेरा, अब कोई दुश्मन न हो कोई बैरी न हो, बहुत खुशहाल है गुजर बसर मेरी, इस बस्ती में अल्लाह निगहबान रहे मेरा, अल्लाह निगहबान रहे मेरे हिंदुस्तान का। धन्यवाद।